क्या हुआ मंगल, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अम्मा मेरा सिंगोड़ा नहीं मिल रहा है, यही रखा था, पता नहीं कहाँ गया, पूजा के बाद थाली में ही था। क्या सिंगोड़ा गायब हो गया? थाली में से कहाँ जा सकता है, कहीं वो पूजा में औरतें आई थी उनमें से तो कोई नहीं ले गई। अम्मा कोई मेरा सिंगोड़ा क्यों लेकर जाएगा, सबके पास तो अपने थे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अम्मा पहले मेरे शादी का जोड़ा जल गया और अब मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा और अब ये सिंगोड़ा खो गया। मंगल अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं मार्केट से नया ले आता हूँ। नहीं आदित्य जी, नई सिंदूरदानी नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा सिंगोड़ा चाहिए, वो मेरे पास मेरी शादी के दिन से था, उसी में से तो आपने पहली बार मेरी मांग भरी थी, हर तीज त्योहार पर मैं उसी में से सिंदूर लगाती हूँ। मेरा सिंगोड़ा पता नहीं कहाँ गया, उसमें रखा सिंदूर सुहागन के साथ पूरी जिंदगी रहता है, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे मेरा सिंगोड़ा चाहिए अम्मा, मैं उसे खो नहीं सकती। मंगल तुम्हारा सुहाग अदित है ना तुम्हारे पास, सिंदूर अदित से ज्यादा अहम तो नहीं है ना? देखो बेटा सुबह से तुमने निर्जला व्रत रखा है, भाग दौड़ कर रही हो, रख दिया होगा कहीं इधर उधर। आदित्य को कर रहा है कोई ब्लैकमेल। यहाँ पर हमने देखा ही था कि आदित्य और सोमिया जब एक साथ थे तो यहाँ पर वो एक दूसरे की बाहों में थे और ये कोई फोटोज अलग से खींच रहा था। आदित्य के सामने एकदम से फ्लैश पड़ा और उसने बोला कि भाई सोमिया कोई तो हमारे फोटोज खींच रहा है, लेकिन सोमिया उस बात को नजरअंदाज कर देती है और बोलती है कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा है, हमारी फोटोज कौन खींचेगा और हमारी जोड़ी में कौन इंटरेस्टेड होगा। अब भाई तब तो बात टल जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद ना फोन आता है आदित्य के पास कि मुझे ना 20 लाख रुपए चाहिए इन्हीं फोटोज के ऊपर। अब यहाँ पर आदित्य के होश उड़ जाते हैं, आदित्य को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन कर रहा है। वैसे आप मुझे कमेंट से बताइए कि आपको कौन लगता है कि ये कौन कर सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि भाई ये काम ना लिपिका करा सकती है, क्योंकि लिपिका को ही पता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और यहां पर वो ब्लैकमेल करने की भी कितनी बार कोशिश करती है, पैसे ऐंठती भी है वो, तो यहां पर ये हो सकता है कि इन दोनों को मजा चकाने के लिए यहां पर आदित्य से इतना सारा पैसा ऐंठने वाली हो और यही सारी चीजें भाई लिपिका ही करा रही हो। लेकिन भाई अभी तो आदित्य बहुत परेशान है, बहुत घबराया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, क्योंकि भाई उसको पता है कि अगर ये फोटोग्राफ्स घर वालों के सामने आ गए तो भाई कुसुम तो उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाली है। और वहीं पर सोमिया को भी वो बताता है ये चीज, तो सोमिया को भी थोड़ा डर लगने लगता है कि भाई अगर फोटोग्राफ्स पहले आ गए शादी से तो हमारा शादी का सारा जो ख्वाब था ना वो धरा का धरा ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई सोमिया ने सब कुछ प्लानिंग कर ली है। पहले भी इन लोगों ने शादी करने की तो कोशिश की थी, कितनी बार मंदिर भी गए थे लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस बार सोमिया ने सोच ही लिया कि मुझे किसी तरीके से अदित से शादी करनी है।